गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे? इडली लेने तुम्हारे लिए। अरे रे, इतनी मॉर्निंग में? तुम्हारे लिए मॉर्निंग क्या, नाइट। चलो आ रही हूँ मैं, जाओ वहाँ पे। चलो चलो फटाफट नाश्ता कर ले। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का स्वागत है नियान के नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किधर? लोकली घूमने के लिए। मेरे बहुत सारे कपड़े, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास बहुत सारे अनस्टिच कपड़े रखे हुए, तो आज मैं और सुप्रिया जा रही टेलर ढूंढने, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। लेट्स सी। कितने सारे कपड़े बाहर निकल रहे, बैग में जा भी नहीं रहे, और बेचारा सुफियान उठा के लेके जा रहे। जैसे कि नेक्स्ट मंथ हम लोग जाने वाले हैं गांव सुफियान के, वो है गुजरात में, तो उसके लिए मेरे पास कपड़े अभी खत्म हो गए फिलहाल, मतलब जितने भी स्टिच थे, इसलिए मैं जा रही हूँ अनस्टिच कपड़ों को स्टिच कराने। और फिर आज शाम में मिसबा के घर पे दावत भी है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने मिलेगी इस ब्लॉग में, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है गाइस। वेल, जैसे कि हमारी सबसे पहले नियत थी कि शादी के बाद हमें अजमेर जाना है, बिकॉज मैं और सुफियान बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अजमेर जाना है जाना है, बट कोई ना कोई चीज आ जा रही थी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि शादी के बाद तो जाना ही जाना है अजमेर, एंड हम लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ज़ियारत हो गई। अब आ गया है क्वेश्चन कि अब हनीमून पे कहाँ जाए। यस, यही सबसे बड़ा एक टेंशन वाली बात होती है कि हनीमून कहाँ जाना है। हाँ यार, कसम से मैं इतना सोच रही हूँ, इतनी सारी चीजें दिमाग में आ रही की यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बट हमें जाना है बजट फ्रेंडली, हमें ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है हनीमून में, बट ऑल्सो हम लोग को चीजें एक्सप्लोर करना है नई नई। तो आप लोग गाइस बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमें हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी सबसे अच्छी जगह है और थोड़ी सस्ती हो। क्या है ना, फिर हम लोग जो भी लोग कमेंट में बताएंगे हम लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे, देखेंगे फिर कि किधर हम लोग को सूटेबल लगता है ना। सूफी yes. सूफी बात नहीं कर रहे, क्यों? अभी थोड़ा मूड में नहीं आया ना, अभी तक मूड में नहीं। सुबह सुबह मेरे लिए इडली लाए थे, सो क्यूट। ज्यादा हो जाएगा मतलब ज्यादा अभी प्यार नहीं करने का ना। तो आ गए हैं हम लोग एक डेस्टिनेशन पे। सुबह से रात हो गई, हम लोग को कोई टेलर ढंग का नहीं मिला यहाँ पे। टेलर मिले भी तो बहुत हाई प्राइसेस थे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज्यादा कपड़े सिला के लेने की, तो मैं सोचती हूँ कि यार इतना सारा पैसा अगर मैं सिलाने को दूँ, इससे अच्छा तो मुझे रेडीमेड ही मिल जाएगा, तो सबसे सोचना पड़ता है। बट ये बात तो तय है गाइस कि टाउन के जैसा मजाक कहीं नहीं है। वहाँ का जो टेलर्स होते हैं वो लोग इतना अच्छा डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट जल्दी देता नहीं है कोई भी। तो कोई नहीं, हम लोगों ने ढूंढे, नहीं मिला। आप देखते, कल सुफियान बोल तो रहे हैं मेरे को कि मैं तुमको कल फॉर श्योर कोई अच्छे टेलर के पास लेके जाऊंगा। साथ बोला तुम बोले मेरे को कल लेके जाओगे, झूठ नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं बोला। अपनी मर्जी से मेरे पर इल्जाम थोपड़ी बोले, मैंने बोला लेके जाऊंगा। तो बोले थे व्लॉग में भी, बैग अभी ये कल क्या बोलेगी, तुमने तो बोले थे व्लॉग में भी, मैं भूल गया। हम लोगों ने हाँ शायद बोला रहूंगा मैं, देखो व्लॉग में याद नहीं है। अच्छा मैंने अपना मुंह खोल लिया टाइम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं मिसबा के घर पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग आज जाने वाले मिसबा के घर पे दावत के लिए। शादी के बाद हमें टाइम ही नहीं मिल पाया कि दावत अटेंड करना, बहुत सारी दावत पेंडिंग में। आज क्लियर करते हैं मिसबा के घर की दावत, क्या बोलते हो सुफियान? तो यस, और मैं आज सोचा कि मिसबा पे कुछ प्रैंक करूं, बट मैं फिर सोचा कि नहीं यार, दावत है, दावत पे सब नहीं, प्रैंक प्रैंक नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं सोचा प्रैंक तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको परेशान कर सकता हूँ मैं, तो जो कि हम लोग करते हैं, तो वो तो मैं करूंगा ही, बस आप लोग इंतजार करो मैं कैसा करूंगा वो देखना खाली। क्योंकि ये है मिसबा के एकदम कट्टर दुश्मन, नहीं कट्टर भाई हो तुम जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, वो मिसबा और सुफियान को देख लो, कसम खुदा की इतना लड़ते इतना लड़ते, और मैं सारी चीजें कैप्चर करूंगी आज जिस तरीके से ये लोग लड़ते। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, और बताना जरूर कि व्लॉग कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। दावत पे बुलाया कि डिस्को में बुलाया भाई तुमने? गाने वाने बजा रहे हो कितना प्यारा गाना है। बहुत सारा बनाइए, चलो चलो देखते। ये इसकी तो पार्सल मांगने की आदत नहीं जाएगी यार सुफियान तुम्हारी। मेहमानों के सामने कौन खाना बनाता है, ये कोई तरीका है क्या यार? ऐसा कोई मेहमान नवाज। और हम लोग कब से बोल रहे थे कस्टर्ड देखो तो सारा बनाएगी। ये बोल रहा है पार्सल ले पार्सल पार्सल वो हर जगह पार्सल लेते हैं, तो कुछ नई बात नहीं है इसमें, बस गिराना मत अभी। ये जैसा तुम लोग का रिवाज है मिसबा का रिएक्शन
जैसा तुम लोग का रिवाज है ना दावत देने का, वैसे हम लोग का रिवाज है पार्सल लेके जाना। समझ तुम्हारे दावत से पार्सल लेके गए हर हर दावत दावत नहीं क्या होगी फिर पार्सल नहीं लेके गए तो क्या बोलते हैं निदान। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये सब क्या कर रहे हो अभी एंड टाइम पे जगाए रहने बुला ली। मैं तुम लोग को बुलाई मैं एंड टाइम पे नहीं कर रही हूँ। अब्रेश का डिमांड है लेकिन अब्रेश गया लोनावला चला गया चला दिया। तो मेरे को याद था कि तुम चिकन समोसा नहीं खाते हो। चलेगा खा लूंगा बनाओगे तो अभी तो रोज ही क्या तेरी क्या मेहमानों को जल्दी बुला लेकिन खाने नहीं बनाए तुमने। अरे बना और मेहमान की डिमांड जो थी वो क्या मेहमान की डिमांड ही पूरी नहीं हुई। बनाई ना एक कस्टर्ड। तुम कस्टर्ड तो मांगे थे ये क्या बोला था सुफियान तुम कस्टर्ड मांगे थे। दावत पे बुलाई कि फ्रूट सलाद खाने बुलाई है स्नैक्स पे बुलाई क्या। हाथ धोए थे कि नहीं धोते पूरा उंगलियां घुसा रहे हो तुम अंदर ही पूरे उंगलियों का मैं तुम्हारा अंदर नहीं है मैं हाथ धोए ना हाथ धोए धोए अगर टेस्ट में फर्क आया समझ लो तुमने हाथ नहीं धोया पसीने का टेस्ट इतना गर्म है फिर भी इन लोगों को खाना है ये खत्म ना हो जाए इसके लिए एकदम तेल तेल बता अगली बार लाना तेल बढ़े यहाँ पर वाह वाह इन लोग का बिफोर पार्टी चल रहा है ले गिरा मिस्बा ने खाते हुए वाह अभी बोलो सिर्फ खाए जा रहे हो बोलना ही नहीं है कोई जो बोलते हो व्लॉग लो मुझे भी खा लेंगे इसके बाद चीज वाला बनाती हूँ। हाँ वैरायटीज ही वैरायटीज है और इसको परेशान करने आए हो तुम। मिस्बा यहाँ खाना खिलाने बोला है कि बच्चों का खेलने बोला है तुमने। अरे तो अभी गीला चावल खिलाओ भूख लग रही है। अरे 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 बिचारी क्या बन रहा है भाई बताओ यार भूख लग रही है क्या बनाई है इसने। अरे वो चॉकलेट भाई झपक जेब में से तो पहले जेब में डालो मेरा खाना छोड़ो। तुम्हारा दुपट्टा में वो लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे। सब चॉकलेट डाल लिए चॉकलेट चाहिए ये लो फेंक कर दो दो वो रिदा के लिए। बीवी फर्स्ट ब्रो शादी हो गई है शादी करो बॉन भाई ये मुझे बता रहा है चले लो मैं इसको पता है कितने पाए पहली पुरानी शादी है ब्रो। मिस्बा की फ्रिज पूरी भरी हुई है यार भाई अंडे ले लो ना अंडे बॉईल करके खाएंगे अपन। मिस्बा यही खड़ी है। अच्छा मिस्बा यही खड़ी है क्या। तो हम लोग भाई सामने चोरी करते हैं भाई मुंह पे जो है मुंह पे अपने को डर नहीं है। पियो पियो बिंदास अपना ही है। सो गाइस आज हम लोग आए हैं मिस्बा के घर पे दावत पे और दावत पे देखो मेहमानों का स्वागत के साथ बोल दी खाना बना। हेलो गाइस पहले हाथ धो लेने का बराबर से फिर कैसा निकालने का हाथ से निकाल लूं। हां ऑब्वियसली मैं मुंह से निकाल रहा हूं। अरे बाप रे इतना बड़ा नहीं तो आधा आधा इतना ओ हां रखो क्या किया तुमने ऐसा ही पच 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 अरे तुम क्यों कर रहे हो करने लगा उधर अरे तुम ही कर लो भाई करो यार फैन जल्दी जल्दी बनाओ बस इतना पचपच नहीं करना कि वो अलग ही हो जाए। नहीं, नहीं रुको चीज डालना है ये वाला। हाँ। तुमको मालूम मिस भाई ये सुफियान भाई क्यों सीख रहे हैं शादी का साइड इफेक्ट। मेरे घर पे कुछ अच्छा बना के खिलाना और इतना बेकार लड़का है मेरे ऊपर नाम डाल रहा है। चीज बोल बोलो चीज बोल देखो अच्छे से सीख लो नहीं तो निदा बेलन लेके मारी। देखो मैं यहाँ पे ही हूँ मेरे बारे में जो भी बात हो रही है मैं सुन रही हूँ। सुफियान का रोल देखूं बहुत अच्छा रोल देता है बहुत अच्छा रोल देता है। अरे अरे निदा देखो सांप की लड़की बन गई सांप की लड़की अबे चीज तो बाहर रह गया है थोड़ा ये सुफियान ही खाएगा। अरे 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 क्या बन गया रुक जाओ क्योंकि फोल्ड क्यों नहीं हो रहा है अभी। अबे इसको ऐसे दोनों हाथ के बीच में ऐसे गोल 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 ऐसे नीचे से चपटा है मम्मा वो गोल गोल। हाँ जी बहुत मजा आ रही है तो तुम बना लो सारे हम खड़े हैं रिकॉर्ड करते हुए हमें मजा आ रही तुम्हें देख के। मजाक भाई बना रहे हो तुम तुमसे अच्छा बना रहा है ब्रो बताओ जरा ब्रो ब्रो बनाओ ना प्लीज ज्यादा फ्री होना ही नहीं है। बना दो यार सुफियान बना दूंगा चलो और कहानी क्या हम लोग को बताइए रोल बताइए ये है हटाओ मिस्बा के बनाए हुए रोल ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी
मिसबा देख लो एनी टाइम तुम्हारे साथ अच्छा बनाया मैंने देख लो तुम्हारे तीन पोलियो वाले लग रहे और मेरा खाते पीते घर का लग रहा है अपने को चार लोग को नहीं ला आठ लोग को खिलाने अच्छा अच्छा कंजूसी करूँ क्या ऐसा ओ मिसबा एक नंबर छोटा छोटा बनाओ आज मिसबा ने बता दिए कि ज्यादा लोग आए तो कंजूसी करना जरूरी है नो ब्रो मैंने बोली ये छोटा टुकड़ा ताकि सबको पीस मिल पाए हां करेक्ट और तुम इसी का ये एक बनाइए इतने चिकन में तुम हां ये देखो एनी टाइम मिसबा से अच्छे बनाए हुए देखो मेरा वाला ये अब मिसबा का हां लड़के हमेशा अच्छे होते लड़के हां एनी टाइम ब्रो तुम तो कुछ भी नहीं बना सकते ओ बोलना नहीं जरा भी चार पांच अब भी मारा दूंगा मारा दूंगा बना नहीं नहीं ले मिसबा तुम अंदर कुछ काम से आए थे काम से आए से आई से बना दूंगा तुम्हारे साथ रह रहे के बोबड़ा हो गया हूँ हाथ गंदे ना गाइस कैन यू प्लीज गिव मी योर फोन ब्रो व्हाई व्हाई बिकॉज़ ऑफ सॉन्ग अरे सॉन्ग व्हाई सॉन्ग प्लेइंग यूट्यूब वीडियो बनिंग इंग्लिश इज माय इंग्लिश ब्रो Bro, I have to talk with your English only. Okay. Your level English. Yeah, my level is another. Because you don't understand hard words. You can make all three, okay? I understand very okay. hard words. You don't understand my words, bro. अरे मम्मा तेरा काम देखे चले गए बोलती है सुफियान मेक थ्री मोर मैगी जैसे बाल नीचे गिर रहे इसको जलाते ही अब खा लेते चार बाद में अरे सुफियान तुम्हारी मैगी जैसे हो गए बाल मैगी जैसे मैगी अच्छा मैगी और मम्मा बहुत चीजें इसके अंदर सुफियान उसमें नाम लिख दो तुम्हारा सुफियान मेरा नाम अभी कैसा पता है उससे लो और उससे एस बनाओ यू बनाओ एफ बनाओ उसके बाद चला जाएगा नहीं जाएगा चला जाएगा नहीं जाएगा मैं बोल रहा हूँ ना तुम मेरे से आ जानते हो ओ कितने होटल का खाना बना चुके हो आज तक कितना एक्सपीरियंस है एक बार मेरी किचन में घुस के तुमने बनाया था अभी दूसरी बार मिसबा के यहाँ पर है अरे हाँ अपने घर में बनाया था ना मैंने तो फिर भूल गए सीख लो अभी भी टाइम है मैं नहीं सीख रहा तुम्हारी तो ना ये छोटा बन गया थोड़ा मिसबा ने कंजूसी करने बोली ना तो छोटा ही बनाना है सबको पूरना चाहिए ना तेल गरम करो ब्रो मेरे को नहीं आता भाग तो जीशान भाई ने गैस ऑन कर दी और क्या कर दिया तो जीशान ने लाइटर खराब कर दिया देखो ये देखो पूरा उसका लाइटर खराब कर दिया गई मिसबा कैसे खराब किया भाई पूरा लाइटर के अंदर डाल दिया आलू डाल लाइटर खराब कर दिया लाइटर खराब कर दिया चिकन चला गया देखो लाइटर चिकन तो सुफियान यहाँ पे बिजी है हो गया खराब हो गया ना बहुत हो गया चलो गया ठंडा हो गया और मिसबा पैसे नहीं दूंगा मैं इसके भाई गैस बंद खराब हो गया तो गैस चालू किए बंद क्यों करेंगे नहीं उसको अंडा अंडा सब फेटना बाकी है अभी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ब्रो जला जला ब्रो जला मिसबा का रिएक्शन देखे फौरन कैसे स्विच में पहले गुस्सा हो गई मैंने चला 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 नहीं नहीं मैं गुस्सा इसलिए हो गई क्योंकि ये सब बोलना पड़ता गैस चालू है लेकिन लाइटर चालू नहीं हो रहा है क्या सेंस बना अरे तो मुझे अंडा फेंटना है ब्रेड पीसना है अभी हाँ ठीक है चलेगा ब्रो आते कॉन्सेंट्रेट की कस्टर्ड पे कस्टर्ड खा खा के पेट भर लो कस्टर्ड पीपी के प्यासे मत रहो भूखे मर जाओ मिसबा ने इसको ये काम दे दी है खुद ये कर रही है और अब मेरे को बोल रही है कि अंडे फेटो दो वाह मिसबा हुआ अभी जल्दी होगा ना अकेले में मुझसे भी काम करा रही है बट कोई नहीं हेल्पिंग हैंड इज मस्ट बिकॉज भूख भी लगी है वाला इतने रोल बना बना अगर मैं बेचता ना नीता हाँ खुदा का जमीर बाप की औलाद होता मैं वाह कितने सारे बना दिए चलो तुम बनाने का काम करो जितना तुम्हें काम दिया पूरा बनाया हूँ मैं ना कसम खुदा की बोल रहा हूँ हाँ कब से मेहनत कर रहा था बेचारा एक दो मैं बोली ना एक दो पागल आदमी नीता चकाओ ना यार क्या कर रहे हो अरे पूरा क्यों निकालो खाली थोड़ा सी चाहिए हाँ? तो उसमें से कैसे निकालूंगी नीचे निकाल के देना पड़ेगा okay, okay. चलो काम करो तो दस्तर भी लगाओ मैं अरे मिसबा ये क्या कियो तुमने कस्टर्ड प्याली है काम इतना ही ये तो प्याली का प्या भी नहीं है टेस्ट करने एक घूट में खत्म हो जाएगा ये तो लेकिन मैं टेस्ट करने दे रही हूँ अभी चका रहे तुम बोले ना चका अच्छा हाँ इनको भी चाहिए गाइस डालो ना हाँ शादी करो गाइस बहुत फायदे बीवी अपने लिए निकाल निकाल देती है कैसे क्या हो दावत पे मैं आके ताऊ को झूलो को बुलाया हूँ अच्छा पानी वानी सब लेकर आओ अंदर मैंने ना भाई आठ रोल बनाया आठ रोल वही बोल रहे यार दावत में लाया गया है या बुलाया गया तुम्हारी बीवी मेरे को बोलती है फटाफट रोल बनाओ बैठ के रोल बनाया वहाँ पर मैं बोलो दस्तरखान डाल रहा है सर बैठो दावत पे आयो अंदर क्या बनाया वो भी देख लेते
देख लो ये है ना, ये खाली ब्लॉग के लिए कर रहे हैं मुझे लगता है। निशा को देखे चले गए। सो फाइनली हमें खाना मिल गया, इतना मेहनत करने के बाद। इतना झूठा है। हाँ ये मैंने नहीं बनाया, ना बोलो खाली जा तुम कहो। गाइस देख लो शादी बात, हैप्पी मैरिज लाइफ विद टू किड्स। सी एक इधर परेशान है उधर परेशान। आज थोड़े दिन में तुम्हारे साथ भी होना है इंशाल्लाह। बट ऐसा खाना लोगे तुम, यहाँ बच्चा रहेगा, यहाँ पैर हिलते रहेगा। बच्चे इनके तकलीफ इधर हो रही है। तुमने थूक दी उसकी प्लेट में, कैमरे में आ गया। ये घर पे लेके जाना तो मांग लो ना, तो गोद में क्यों छुपा रहे हो? प्लेट में दे देंगे। अरे बच्ची रो रही है, क्या कर रहे हो? खाना पहले। वो देखो वो क्या कर रही हो, देखो। गाइस देख लो शादी के बाद यही होता है गाइस। और मेरे को बोलो तुम लोग बच्चा पैदा करने के लिए। तो होना तो चाहिए, लेकिन अभी ये उम्र नहीं लग रही मेरे को। चलो ने टारगेट पूरा कर लिया, हम दो हमारे दो नहीं था। तुम क्या बोलते, कितने? 10-11। नूरैन भूख लग रही, कुछ मंगाओ ना। क्या मैकडॉनल्ड्स? उधर देखो बेटा, मैक चिकन स्पाइसी चिकन ग्रिल चीज। हाँ चीज वाला मैक चिकन विद चीज। हाँ या वन पोक एंड वन लार्ज फ्राइज। और वहाँ देखो लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है वहाँ अलग ही। सुफी ट्रेनिंग बेटा, कम अप ऑर्डर पिज्जा। यू आल्सो वांट पिज्जा? इवन शी क्राइंग पिज्जा। पिज्जा आस्क योर सिस्टर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग पिज्जा। पिज्जा पिज्जा चीज लावा के चीज लावा। ओ माय गॉड चीज लावा चिकन एस्प्रेसो चीज बॉल। ओ दुआ बैंड, ओ दुआ बैंड माहेश्वरी का साम्राज्य। रोते नहीं है रोने का नहीं बच्चा। अच्छा जाओ जाओ, हाँ आराम से आराम से। ट्रेनिंग ले लो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगेगी। मैं मेरा के बच्चे 6 दिन की लड़ाई करने पड़ेगी। थोड़ी समझदार लग गया। आर यू समझदार? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। एंड मैं कालू टिक्की? अरे यार टेल मी, मैं कालू टिक्की? नो, जा रहे बोल रही है। चीज लावा चिकन, बाय बाय। अरे यू एम ओनली नाउ एंड यू से बाय। तुर बच्चों की लैंग्वेज सीख गया मैं। अच्छा बताओ, मिलेगा भाव भाव वो है। अरे यार अब कोई पूछे ना हु आर यू क्या बोलने का। जून जून के बाद क्या आता है? मे। तो मे जून के बाद क्या आता है? जुलाई। अरे वो बकरा बोलता है मे। अरे रे 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 तो को क्या बोलते? और जो इंस्टाग्राम पे रहता है उसको क्या बोलते? मीम। देखे सब बता रही हो। और जो दावत पे बुलाती है खुद खाना बनवाती उसको क्या बोलते? मीज़बान। बच्चे जानते तुम क्या हो। सो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है, अभी मिसबा कुछ रस्म करने वाली है, तो चलो चलते हैं। निदा मच्छरदानी से बाहर आ जाओ। नहीं नहीं अब मच्छरदानी से बाहर आ जाओ। नहीं
मिसबा मैंने पर्स इसलिए रखी हूं, मैं कुछ भी पैसे वैसे दोगे तो डायरेक्ट अंदर वन मुट्ठी इसलिए जब से ठंडा होने का वेट कर रही थी। तुम भी हो भाई, इवन यू आर हर हस्बैंड। I'll put this in your this dupatta. Dupatta, you put it again, then I'll put shakar, तो mix हो जाएगा. Okay. अच्छा ठीक है. फिर खीर बना के दे दो. कितना रुपए किलो है? कितना रुपए किलो? यहाँ रसम चालू होते हैं. You want? Naren, you put water in it and it will cook. You will eat chawal. Can help her out? Yeah, yeah, sorry. एक एक दाना चुन चुन के भाई, हाँ छाट लो पूरा। खाली तो करू पूरा सा, एक भी दाना बचना नहीं चाहिए पागल। बट अब लोग क्या कर रहे थे, इसको वापस रिटर्न डालना था ना बाउल में। हाँ, रिटर्न डालना है क्योंकि फिर आप मिक्स हो जाएगा ना ये। अरे तो दूसरा पल्लू लो ना, दूसरे हिस्से का। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई वो दाना बोलो। क्या तुम लोग शादी करेंगे? थोड़ी पत्ती भी मिलेगी, थोड़ा नमक भी दे दो, चाय पत्ती, चाय दूध अपने आप खरीद लेना। अरे भाई छपाने की आवाज आ रही है, बात करो। अभी बाद में खाओ यार। बहना मेरी, क्या कर रहा है तू? नीदा फुल अम्मा दिख रही है। मम्मा बस हो गया, ये ना जेलस जेलस पीपल। वेरी नाइस लाओ मैं पकड़ूंगा ये दो भाई, तुम्हारे पैसे का है वो दे रही है। ऐसी दावत गाइस देख लो, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये लोग मेरे घर पे, मतलब इन लोगों की दावत मेरे घर पे, लेकिन मैंने पहली बार किसी को दावत दी मैरिड कपल। तुम्हारी भी अभी हुई है ना, बेशरम वो लोग, सिर्फ खाना सीखे हो, देना सीखो। बस बस कट। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा भाग्य खुल गया, भाग्य खुल गया। और ऊपर से देखो सुफियान ने पूरा चट कर लिया है कटोरी। और मैं क्या बोलती हूँ मम्मा, जितने भी दावत पेंडिंग है ना सब जाते हैं। देखो कपड़े मिल रहे, अभी गाँव जाना है, भर भी लेते हैं। गाँव जाना है तो कपड़ों की जोड़ कपड़े चाहिए गाइस। हाँ कपड़े चाहिए, शादी करो बहुत फायदे। रसम वगैरह सब हो गई, अभी हम लोग चलते हैं अरसलान भाई को लेने, बिकॉज ही इज द बिग सुपरस्टार सेलिब्रिटी और हम लोग सब उसको लेने जा रहे हैं। तो भाई चलते हैं क्या? हाँ चलो ड्राइवर कम ऑन। किसको बोल रहे? अरे भाई वो कपड़ा मार लो गाड़ी पे जाके हम लोग उतर रहे हैं। ड्राइवर कम ऑन फास्ट। अरे तो कपड़ा ओल्ड, डोंट हैव टॉक टू मी लाइक दैट। बहुत एफर्ट्स लगे इसके लिए बोलने के लिए। चलो चलो चलते हैं भाई, मैं डर गया मेरा कोई मांगने वाला खड़ा है। ओ सेलिब्रिटी, अरे सर 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 आप यहाँ पर हो, आपके फैन लोग किधर है? सर अस्सलाम वालेकुम। तो नीता अभी मस्त कुत्ते से डरी है और जाके गाड़ी पे बैठ गई, और कुत्ता वो एरिया टॉमी किधर है किधर है? अच्छा रसलान भाई साहब काटेगा ना तुम्हारे को पिछवाड़े पे। फैन मूवमेंट फैन मूवमेंट। और ये नीता कुत्ते से डरते हुए फिर से क्या बोल रहे भाई? हम लोग जा रहे टर्फ, टर्फ जा रहे। क्या भाई अपने दोस्त बुला के लाया, उसको देखो कुत्तों का एरिया होता है, कुत्तों का इलाका है। चलो भाई अरे नाटक अरे
सलाम साहब, सलाम साहब, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग सलाम भी कर रही हो, सलाम करो, सलाम। ओहो, ये देखो डर रही है भाई, देखो जो मुंह खोल, उसको भी पता चल गया फैन है इसलिए। अरे क्या मम्मा 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 हर चीज में, मम्मा मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा, यहाँ का मम्मा, इसको बोलने का वहां निकल रहा मम्मा पे। अबे अबे कुछ भी मत बोलो भाई, तो बड़ा सिखा। अरे कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, मुंह पे क्या मस्ती करो बच्ची के साथ में, तुमको क्या मम्मा 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 करी है, बच्ची हाथ किधर आ रहा, मुंह इधर है, मम्मा मम्मा मम्मा। बेटा मैं समझ रही हूं, मेरी बैड, चलो घर पे चलो, हां आज मैं नहीं डरता, आ जाओ अभी, झाड़ी हां खड़ा है अभी, वो क्या करूं मैं बताओ, मैं इधर से चली जाऊं, आ जाओ उधर से जाओ, चलो वो कुत्ता वहां जा रहा है, जाओ 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 जाओ, अंदर थोड़ी आएगा क्या, क्यों, हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो हो गया ना, मुबारक। हम लोग मेडिकल में आए थे यहाँ पर अभी, तो मैंने मेडिकल पे काउंटर पे बोला कि आप बिलिंग कर दो, उन्होंने बोला कि नहीं आप अपना नंबर दो, मैं बोला मैं नंबर नहीं देना चाहता, तो आप बिलिंग नहीं करोगे, बोले से बिलिंग नहीं करेंगे, मतलब अगर इसके पास फोन नहीं हुआ तो वो नहीं खरीद सकता क्या, बोले नहीं, मतलब ये कौन सा रूल है, कहाँ का रूल है भाई, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। सुफियान गए हैं, जो मिजबा ने कुर्ता दी है सुफियान को, वो चेंज करके मतलब देखने के लिए कि उनको बराबर फिट होता है कि नहीं, हाँ आ जाओ, थ्री आ जाओ, ये ऐश्वर्या, अरे तो वायरल बॉय आ गया, तोड़ता उड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़, एक नंबर है, टाइट टाइट कराना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, एक नंबर लग रहा है, दिख रहा है। हमारी दावत पूरी हो चुकी है और यहाँ पे लोग नहीं, मेहमान लोग जब बातें करते हैं शादी के हॉल से निकलने के बाद, एकदम वैसी फीलिंग आ रही गाइस। तो मिसबा ने हम लोग को डेली पार्सल, हाँ सो गाइस हम लोगों ने यहीं पर इतना ढेब लिए, तो मिसबा ने दो कटोरी छुपा दी, बोले नहीं ये खत्म हो गया है, ईशान भाई को भी मिल गया, बोलो हमारा टोपा हो गया, कोई नहीं गाइस, लेकिन पेप्सी भी रखी, वो भी दे दे, थम्सअप, नहीं नहीं थम्सअप नहीं छोड़ा, थम्सअप बहुत है, ले लूं जब तो ले लेंगे, ले सही में, तो गाइस हम लोग निकल रहे थे जस्ट घर के बाहर, और महमूद भाई पतंग के अंदर चले गए, हम लोगों को लगा कि कुछ बुरा मान के चले गए, बट नहीं, और महमूद भाई कुछ लेके आए हैं, ओह माय गॉड, ये क्या, अरे सर इसकी वो भाई पैसे उन लोगों को दे रहे और रुका मेरे को क्यों, अरे नहीं वो याद है कि कुछ देना पड़ता है, सौ का दो, शक्कर चावल दे, सौ का दो दे, अच्छा इसी खुशी में मैं बता रहा हूँ, आपको तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे तुमको इरिटेट करने के लिए, शकुन का है, लेकिन गाइस मेहनत मैंने किया, दावत ने बुला दी, मेहनत करवा दी, जो भी लो दो लो। फाइनली हम लोग घर पे आ गए, और गाइस आप लोगों को लगता है कुछ कॉमन चीज है, जब भी ब्लॉग एंड रहता है मैं यही रूम में आके ब्लॉग एंड करता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा, क्योंकि ये रूम है ना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, बैकड्रॉप थोड़ा अच्छा लगता है, पीछे मिरर में दिखते रहता हूँ मैं बार बार, देखता हूँ कैसा लग रहा हूँ पीछे से भी, मैं समझ रहे हो, तो हाँ, और वो जो मेडिकल वाला सीन हुआ था वहाँ पे मेडिकल वाले से मेरी बहस हो गई, मुझे बोलता है कि आप मोबाइल नंबर दो, मतलब सर मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, अगर सपोजिंग मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं होता तो आप क्या करते, बोले सबके पास होता है, मतलब सपोजिंगली मेरा टूट गया, मेरे को नंबर याद नहीं है, बोले सर हर कोई बच्चा थोड़ी है, तो बोला सर अच्छा एक बात बताओ कि कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करते हुए आ रहा है आपकी मेडिकल में, आप बोलोगे कि आप अपना नंबर बताओ, लड़की नंबर नहीं बता सकती, कोई लड़का नंबर ले लेगा, कोई उसको परेशान किया तो, बोले आप कुछ भी नंबर दो, बोला सर आप कुछ भी नंबर डाल दो, एक तरीका होता है बोलने का, बोले बिल बनाऊंगा ही नहीं मैं, तो फिर मैं बोला ठीक है भाई अभी क्या कर सकते, तो फिर नंबर दिए महमूद भाई ने, तो ये चीज मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोग ही बताओ सही है गलत है, तो चलो ठीक है बस हो गया, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और जो भी क्वेरीज आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हो, ओके लव यू गाइस।